हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर जिला कलेक्टर ने मरीज की दृष्टि से देखा उम्मेद अस्पताल, एक एक काउंटर पर स्वयं जाकर किया सघन निरीक्षण, मरीजों से पूछी कुशल क्षेम और जाने व्यवस्थाओं के हाल। जोधपुर के इस जिला कलेक्टर ने एक मरीज की तरह एक एक काउंटर पर जाकर अस्पताल कार्य प्रणाली समझने की कोशिश की है। रविवार सुबह जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जोधपुर के उम्मेद अस्पताल पहुंचे, लेकिन इस बार उनके निरीक्षण का अंदाज अलग था। उन्होंने एक मरीज के दृष्टिकोण से अस्पताल की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को समझने और परखने के लिए स्वयं ओपीडी से रजिस्ट्रेशन लेकर मुख्यमंत्री की निःशुल्क दवा और जाँच योजना के निष्पादन की वस्तु स्थिति का आकलन किया। उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रंजना देसाई ने बताया कि लगभग एक घंटे तक जिला कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुविधा का अवलोकन किया। इस क्रम में सबसे पहले जिला कलेक्टर गुप्ता उपचार के लिए आए मरीजों की भांति ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गए, वहां से दवा काउंटर पर गए, जहां उन्होंने दवाओं की उपलब्धता और दवा वितरण की पूरी प्रक्रिया का सघन अवलोकन किया। डॉक्टर रंजना ने बताया कि जिला कलेक्टर ने दवा काउंटर पर उपस्थित कार्मिकों से अस्पताल में प्रतिदिन आने वाले मरीजों और दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने दवा की उपलब्धता न होने पर उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को भी समझा। जिला कलेक्टर ने सहकारी उपभोक्ता की दुकान पर जाकर प्रतिदिन की दवाओं के निर्धारण की जानकारी ली। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि गुप्ता ने अस्पताल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत होने वाले पंजीयन की प्रक्रिया की जानकारी ली तथा सभी कार्मिकों को इस योजना के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने उम्मेद अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों से वहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में भी संज्ञान लिया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से राज्य सरकार की चिकित्सकीय और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से मिल रहे लाभ की भी जानकारी ली तथा उनके पक्ष और सुझावों और विचारों को सुना। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि जिला कलेक्टर ने अस्पताल द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क आईपीडी या ओपीडी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा आदि योजनाओं के संचालन और आमजन को लाभान्वित करने की वस्तु स्थिति को देखा और संबंधित को इस दिशा में और भी बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।